हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया बितंकुर में। हर मेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होता है जहां हमारी कोशिश रहती है कि उस सब्जेक्ट में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर को खींच सके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फोकस होता है जीए के सब्जेक्ट पर। आपने देखा होगा कि जिस मेंस एग्जाम में अगर जीए थोड़ा सा अच्छा आ गया तो उस सब्जेक्ट में तो अच्छे अटेम्प्ट होते ही हैं, उस सब्जेक्ट से ओवरऑल अटेम्प्ट भी थोड़े से बेहतर दिखने लगते हैं। और जिस मेंस एग्जाम में जीए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया या लेवल थोड़ा सा हाई हो गया तो उस सब्जेक्ट के साथ साथ ओवरऑल अटेम्प्ट में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। और आईबीपीएस पीओ की बात करें तो जिस तरह का लेवल आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, जीए आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, लेकिन अब जो 18 से 19 दिन रह गए हैं मेंस एग्जाम के लिए, यहां से थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप जीए के लिए जरूर निकालिए। और जीए के लिए मैं आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर चुका हूं, स्मार्ट क्रीड़ा मॉक ड्रिल। आप पिछले 3 मेंस एग्जाम देखोगे, बल्कि आरआरबी मेंस में जीए का अच्छा खासा लेवल देखने को मिला था, फिर भी पिछले 3 मेंस एग्जाम में मैक्सिमम जीए के क्वेश्चंस स्मार्ट क्रीड़ा मॉक ड्रिल से देखने को मिले हैं। इसलिए अगले 18 से 19 दिनों में स्मार्ट क्रीड़ा मॉक ड्रिल से आप जीए की तैयारी कर सकते हो। अदर सब्जेक्ट के लिए स्मार्ट क्रीड़ा पर जो टॉपिक टेस्ट है उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप PM10 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।